हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास एट्थ दिस इज़ करिश्मा पागानी वी आर रीडिंग पोएम वन ऑफ आवर बुक एंड द पोएम नेम इज़ आई रिमेंबर आई रिमेंबर व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड रिमेंबर रिमेंबर मींस याद करना आई रिमेंबर मींस मुझे याद है या मैं याद करता हूँ ठीक है द पोएम लेट्स बिगिन विद द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस पोएम लेट्स बिगिन

हमारी बचपन में हम जो खेला करते थे जो यादें रहती हैं वो वैसी की वैसी ही रहती हैं वर्क इन ग्रुप्स एंड डिस्कस योर मेमोरीज ऑफ़ चाइल्डहुड एंड द जॉय एंड फन टाइम्स यू हैड विथ योर सिबलिंग्स एंड फ्रेंड्स ग्रुप्स में हमें ये डिस्कस करना है कि हम हमारी चाइल्डहुड की मेमोरीज में कैसे कैसे फ़न करते थे कैसे उसको एंजॉय करते थे हमारे फ्रेंड्स और सिबलिंग्स के साथ में यू कुड हैव प्लेड ऑन द सी बीच एंड वॉच द सनसेट और हाउ यू फील्ड ऑन अ चिली विंटर मॉर्निंग इन योर अंकल्स हाउस इन दिल्स यहाँ पर हम लोगों को पूछा गया है कि आप लोगों ने अगर कुछ ऐसी मेमरी क्रिएट करी हो कभी सी बीच पर जाकर खेला हो या फिर सनसेट को देखा हो या मॉर्निंग में ठंड की मॉर्निंग में अपने अंकल्स के अंकल्स के घर पर कैसे हम लोग ने इंजॉय किया है उस मोमेंट को तो उसको डिस्कस करना है ओके okay, सो so, इतना तो आप समझ ही गए होगे कि ये स्टोरी बचपन के ऊपर है हमारे चाइल्डहुड के ऊपर है द पॉइट रेमिनसी इज़ अबाउट हिज जॉयज़ ऑफ़ चाइल्डहुड पॉइट जो है वो अपने चाइल्डहुड की मेमोरीज के बारे में याद करता है उन यादों को तरो ताज़ा करता है रेमिनिज़ मतलब कि ताज़ा करना कंपेयरिंग दैम विथ हिज प्रेजेंट स्टेट ऑफ एडल्ट विस्टफुलनेस और उन यादों को उन एंजॉयमेंट को आज की उनकी जो टेंशन है आज उनकी जो उदासी है उनके साथ वो कम्पेयर करते हैं मतलब डिफरेंस जज करते हैं द पोईम इज़ मोर ऑफ अ डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑल द थिंग्स डेट द पॉयज मिसेिस एज अ ग्रोन अप वैन ही हैज़ बिकम ओवर बर्डन पोएम किसके बारे में है उन सभी चीज़ों के बारे में है जो पॉइट अब बड़े होने के बाद मिस करते हैं जब वो बड़े होने के बाद ओवरबर्डन हो चुके हैं ओवरबर्डन मतलब होता है कि जब उनके सिर पे टेंशन का बहुत ज्यादा बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो गया है एंड विद टेंशंस ऑफ एन एडल्ट लाइफ लेट्स लर्न समथिंग अबाउट द पॉइट द नेम ऑफ द पॉइट ऑफ दिस पोएम इज थॉमस हुड Who is the poet Ones who write the poem? Thomas Hood is the poet of poem, I Remember, I Remember. He was born in London. He was a writer of humorous phrase of the early 19th century. He London. Mein paida उनका बर्थ लंदन में हुआ था और वो किसके लिए जाने जाते हैं वो ह्यूमरस प्रोज के लिए जाने जाते हैं ह्यूमरस मतलब कि ऐसी चीज़ें ऐसी राइटिंग्स या ऐसे आर्टिकल्स जो कि पढ़ने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगते हैं ऑफ अर्ली नाइनटीन सेंचुरी हिज मोस्ट फेमस पोएम द सॉन्ग ऑफ द शर्ट वॉज पब्लिश इन एटीन फोटी थ्री विच मेड हिम एन ओवर नाइट सेंसेशन उनका जो सबसे फेमस सॉन्ग है सॉन्ग कौन सा है उनका शर्ट उनकी पोएम है द सॉन्ग ऑफ द शर्ट जो उन्होंने 1843 में लिखी थी पब्लिश करी थी और वो एक ओवरनाइट सेंसेशन थी ही व्रॉट आर्टिकल्स इन वेरियस न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स तो वो एक राइटर थे और बहुत सारे न्यूज़पेपर्स और मैगजीन्स में आर्टिकल्स भी लिखते थे लेट्स स्टार्ट विद द पोएम आई रिमेंबर आई रिमेंबर द हाउस वेयर आई वॉज बॉर्न द लिटिल विंडो द सन कैम पीपिंग इन एट मॉर्न मुझे याद है जिस घर में मैं पैदा हुआ था वहाँ पे रूम की जो छोटी सी विंडो थी उसमें से सन हर मॉर्निंग को निकलता था मतलब कि एवरी मॉर्निंग उसमें से सन निकलते हुए दिखता था उनको ही नेवर कैम विंक टू सून नॉर ब्रॉड टू लॉन्ग अ डे वो आ, कभी भी मतलब हमेशा थोड़ी सी जल्दी भी नहीं आते थे और थोड़ी सी लेट भी नहीं आते थे मतलब कि वो एकदम टाइम पे आते थे कौन सन नॉर ब्रॉड टू लॉन्ग अ डे और तब उनको एट हिज चाइल्ड हुड अपने बचपन में उनको दिन बड़ा नहीं लगता था तो टू लॉन्ग का मतलब है कि बहुत ज़्यादा बड़ा लगना तो नॉर ब्रॉड मतलब कि कभी वो इतना बड़ा दिन नहीं होता था बट नाव आई ऑफ़न विश द नाइट हैड बॉन्ड माई ब्रेथ अवे लेकिन अब पॉइंट ये सोचते हैं कि वो एक विश कर रहे हैं कि अब नाइट में जब वो सोएं तो उनको वो कभी भी वापस नहीं आए उनकी ब्रेथ हमेशा के लिए चली जाए क्योंकि वो बहुत ज़्यादा टेंशन में है आई रिमेंबर आई रिमेंबर द रोजेज रेड एंड वाइट उन्हें अभी भी याद है कि वो जो रोजेज़ होते थे बचपन में जिन आ, खे पार्क्स में वो खेलते थे उनके घर के पास में जो प्लांट्स लगे हुए थे तो उन्हें याद है कि जो रोजेज रेड और वाइट कलर के थे और वायलेट्स और दो लिली कप्स लिली कप्स इज़ ऑल्सो नेम ऑफ अ फ्लावर दो फ्लावर्स मेड ऑफ़ लाइट वो फ्लावर्स बहुत लाइट uh, मतलब उनको जो कलर्स दिखते थे अलग अलग कलर के उनको उन्होंने लाइट बोला है द लिलिक्स वर द रॉबिन बिल्ट एंड वेर माई ब्रदर सैट द लेबनम ऑन हिज़ बर्थडे और यहाँ पर वो फ्लावर्स की बात कर रहे हैं लिली कप्स के बारे में और उन्होंने लिलिक्स के बारे में बोला है कि वो रॉबिन बिल्ट थे और लेबनम ट्री के बारे में उन्होंने बताया है कि उनके ब्रदर ने वेर माई ब्रदर सेट द लेबनम ऑन हिज बर्थ डे उनके ब्रदर ने एक लेबनम ट्री लगाया था अपने बर्थडे पर ट्री इज लिविंग येट और वो ट्री अभी तक वहीं पर है आई रिमेंबर आई रिमेंबर वेर आई वॉज यूज टू स्विंग उन्हें अभी भी याद है जहां पर वो झूला झूला करते थे एंड थाट द एयर मस्ट रश एज फ्रेश और फिर वो झूला झूलते झूलते ये सोचते थे कि एयर इतनी अच्छे से फ्रेश एयर घूम रही है टू स्वेलर्स ऑन द विंग और जैसे ही वो झूला झूलते झूलते एयर में बिल्कुल खो जाते थे माई स्पिरिट फ्ल्यू इन फिदर्स दैन दैट इज़ सो हैवी नाउ माई स्परिट स्पिरट फ्लू एंड फस दैन तो जब वो झूला झूलते झुलते एयर के साथ में खेलते थे हवा के साथ में उसमें खो जाते थे तब उन्हें ऐसा लगता था कि उनकी जो बॉडी है वो फर्स में उनके पंख लग चुके हैं और वो हवा में उड़ रहे हैं देट इज़ सो हैवी नाव और जब वो अभी से कम्पेयर करते हैं तो ये आज एट uh, प्रेजेंट उनको बहुत ज़्यादा हैवी लगता है एंड समर पुल्स हार्डली कुल द फेवर ऑन माई प्रो स्टूडेंट्स इस लाइन का मीनिंग है कि एट द प्रजेंट कंडीशन अभी उनको इतना हैवी लगता है कि जो समर समर पूल्स हैं मतलब अभी जो समर की हवाएं हैं वो कु हार्डली कूल्ड द फीवर ऑन माई ब्रोन के शोल्डर्स पे जो फेवर है एक तरीके का जो उनको टेंशन है उसको वो कूल नहीं कर पा रही हैं बहुत मुश्किल से ठंडा कर पा रही हैं तो इसका मतलब हम ये समझ सकते हैं कि एट प्रेजेंट उन्हें ऐसा इतना भारी लगता है इतना हैवी लगता है कि उन्हें अपनी स्पिरिट उड़ती भी नहीं लगती है कि वो हवाओं में पहले की तरह खो सकते हैं आई रिमेंबर आई रिमेंबर द फर ट्रीज़ डार्क एंड हाई और उन्हें अभी भी याद है कि जो फर के ट्रीज होते हैं एक सबसे लॉन्ग ट्रीज होते हैं फर्क के जो कि डार्क होते हैं और सबसे ज़्यादा ऊंचे होते हैं आई यूज टू थिंक दियर स्लैंडर टॉप्स वर् क्लोज अगेंस्ट द स्काई और तब उन्हें लगता था कि फ़र ट्रीज़ की जो टॉप्स हैं उनका जो टॉप पॉइंट है वो स्काई के बहुत ज़्यादा पास में है इट वॉज़ अ चाइल्डिश इग्नॉरेंस वो उन चाइल्ड थे तो उनका एक चाइल्डिश इग्नोरेंस था उनका एक इनोसेंस था वो इतने इनोसेंट थे एट दियर चाइल्ड हुड कि उन्हें ऐसा लगता था कि जो फर ट्रीज़ के टॉप्स हैं वो स्काई से बहुत ज़्यादा क्लोज हैं सूरज को टच कर रहे हैं और उसको उस पर चढ़ वो हेवन तक पहुँच सकते हैं बट नाउ टिज़ दिल्टिल जॉय to know I am फार्दर ऑफ from heaven than when I was a boy. लेकिन अब उनको वो joy बहुत कम मिलेगा क्योंकि अब उन्हें पता है कि वो heaven से बहुत दूर हैं जब उन्हें लगता था rather than जब उन्हें जब वो बच्चे थे तो उसके according उसके comparison में वो अभी बड़े हो चुके हैं और अब उन्हें पता है कि वो heaven से बहुत ज़्यादा दूर हैं So, this is the complete poem, students. We will complete our Let's Strike questions in the next video. Keep exploring and keep uh, doing your walk-up questions.